नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में निजी ट्रेवल्स की दो बसों में लगी आग, एक बस पूरी तरह जलकर हुई खाक। बालाघाट शहर के डॉक्टर कॉलोनी के पास स्थित वर्कशॉप में खड़ी दो बसों में अचानक आग लग गई, जिससे एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि पास खड़ी दूसरी बस आग की चपेट में आकर आधे से अधिक जल गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं रिहायशी इलाका होने के चलते बड़ी घटना भी घट सकती थी। दोनों बसें कौशल ट्रेवल्स की बताई जा रही हैं। बस संचालक श्याम कौशल ने बताया कि उनकी एक बस कबाड़ होकर पिछले दो सालों से यहाँ खड़ी है, जबकि पास खड़ी बस चालू हालत में है, किंतु कोरोना काल में ये भी खड़ी है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। सागजनी से उनका लाखों का नुकसान हुआ। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बालाघाट जिला ब्यूरो नीरज का कोटिया की रिपोर्ट। आग लग गई है, किस तरह की घटना हुई है और कितना नुकसान हुआ है आपको? भैया, आग लगने का कारण अभी ये कैसा है कि छोटी मोटी चीज के कारण लगी है और कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो दोनों गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी रानी लगी हुई है, गाड़ी और एक गाड़ी मेरी डिस्पेंटल है, वो आपको दिख ही रहा है। डिस्पेंटल मतलब वो गाड़ी कोई काम की नहीं है। गाड़ी मेरा लगभग ये मान से 10 से 15 लाख रुपये। क्या इंश्योरेंस था गाड़ी का आपके? भैया आईफॉर्म लगी हुई थी गाड़ी, आईटी ऑफिस में देखना पड़ेगा, आई देखना पड़ेगा तभी इंश्योरेंस है या खत्म। भैया क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? भैया अब जो काम करने वाले मेरे मिस्त्री हैं वो तो काम कर ही रहे थे अपना शुक्रवार का दिन। कुछ लोग मतलब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, शायद हो सकता है कोई छोटी मोटी, क्योंकि आग का तो यहाँ कोई काम ही नहीं था। किस उद्देश्य से लगी, क्या लगी, ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। फिलहाल ऐसी जानकारी मिली कि जो कटर मशीन लगी है, कटर मशीन की जानकारी? नहीं नहीं, कटर मतलब ये होता है पुरानी गाड़ी है, जिसको पहले ही डिस्मेंटल हो चुकी गाड़ी दिख रहा है आपको, उसमें ना पहिया है ना चेचिस है ना कुछ नहीं है, वो गाड़ी तो अलग ही पड़ी हुई है। कितने वर्कर्स काम कर रहे थे? दो मिस्त्री है मेरे, दो ड्राइवर हो गए। अच्छा, इस आग यानी की घटना में कोई हताहत हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ नुकसान मेरा अकेला हुआ, कोई जनहानि कुछ नहीं।